जलपाईगुड़ी में हुए ट्रेन हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हुई है, 20 से ज्यादा लोग घायल हैं और बचाव दल ने 40 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है। अभी भी कई मुसाफिर ट्रेन के डिब्बों में फंसे हुए हैं। इस हादसे के कई वीडियो भी सामने आए हैं। वीडियो में यात्री एक दूसरे की मदद करते नजर आ रहे हैं। रेस्क्यू टीम भी लगातार बचाव कार्य में जुटी हुई है। हादसे का एक दहलाने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें ट्रेन के पहिए के नीचे फंसे एक यात्री को दूसरे यात्री खींचकर बाहर निकाल रहे हैं। इसके बाद भी एक यात्री फंसा रह जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिब्बों में फंसे यात्रियों को बचाने के लिए गैस कटर का भी सहारा लिया गया है। एक अन्य वीडियो में रेस्क्यू टीम का एक मेंबर डिब्बे पर चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा कई यात्री भी खिड़कियों और दरवाजों के रास्ते से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करते दिख रहे हैं। ट्रेन के ज्यादातर यात्री हादसे की जगह पर ही अपने सामान के साथ बैठे हुए हैं। वीडियो में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी नजर आ रहे हैं। हादसा जलपाईगुड़ी के दोमोहोनी और मैनागुड़ी के बीच हुआ है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के अफसर गुनीत कौर ने बताया कि 12 बोगियां बेपटरी हुई हैं। इनमें से 2 तालाब में गिर गई हैं। रेस्क्यू में रेलवे पुलिस, NDRF और स्थानीय पुलिस के अलावा स्थानीय लोग भी जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।